हेलो लर्नर्स वेलकम टू आई एस मैराथन डियर आई एम बैक विद न्यू लेसन तो अब तक हमने लक्ष्मीकांत का सिक्स एडिशन देख रहे हैं है ना तो पुरानी वीडियोस देखी होंगी तीन चैप्टर्स लक्ष्मीकांत के थ्री चैप्टर्स अभी तक हमने कर चुके हैं कंप्लीट ठीक है तो पहले उन्हें देखना फिर इस पर आना तो ये चैप्टर फोर्थ प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तो स्टार्ट करते हैं और भाई शेयर करें जितना हो सके ठीक है यस तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन ने सबसे पहले ये वाली जो प्रथा थी वो चलाई है ना कि सबसे पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ही अमेरिका का था है ना तो यस yes. प्रियाम्बल का मतलब क्या होता है प्रियाम्बल का मतलब क्या होता है प्रियाम्बल का मतलब होता है इंट्रोडक्शन या फिर प्रीफेस है ना ये हमको या फिर आप कह सकते हो ये समरी और एसेंस है या सोल है कॉन्स्टिट्यूशन की वो आप बता सकते हो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियाम्बल पढ़ के ठीक है एन ए पालकी वाला कौन थे ये एक एमिनेंट यूरिश थे और कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट थे इन्होंने कहा था कि प्रियाम्बल जो होता है वो आइडेंटिटी कार्ड होता, होता है कॉन्स्टिट्यूशन होता है आइडेंटिटी कार्ड है ना हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो इंडिया का है वो पंडित नेहरू ने जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन चलो मुझे बताओ मैंने इसकी डेट बताई हुई है आपको अरे चलो ठीक है ये कब कौन से दिन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में प्रजेंट किया गया था ठीक है ये मुझे बताना यस yes. तो ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को ही आ, हमने तोड़ मोड़ के आ, वो उसी को प्रेजेंट किया एज अ पीएम्पल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ठीक है और भी बेटर वर्जन ऑफ़ प्रीएम्बल निकाल के लाए हैं ठीक है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन तो इसकी सोल था ठीक है तो फोर्टी सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो था उसने अमेंड किया इसको और अभी तक एक बार अमेंड हुआ है जिसने तीन वर्ड्स इसमें ऐड किए थे और भी कुछ चीज थी वो बता दूंगा सोशलिस्ट सेक्युलर इंटीग्रिटी वर्ड यहाँ पर ऐड किया गया था 1976 में तो सबसे पहले टेक्स्ट पढ़ लेते हैं अपन इसका जो कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है ठीक है यस तो वी द पीपल ऑफ इंडिया ये हमने आ, इसका इंस्पिरेशन जो है वो हमारी यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से है ना Having solemnly resolved to 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 constitute India into sovereign socialist secular democratic republic and to secure to all its citizens justice liberty equality ठीक है अब जस्टिस में कौन से Social, economic and political. Yes, तो एक बार फिर से देखते हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनी कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सोवरेन सोशलिस्ट सेक्यूलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन जस्टिस लिबर्टी इक्वालिटी फ्रेटर्निटी Justice, social, economic, political, liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and opportunity, and to promote among them all fraternity assuring the dignity of the individual and unity and integrity of the nation. Right in our constituent assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt. इन एक्ट एंड गिव इट टू आवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन ठीक है तो अब यहां पर आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज बताता हूँ जो ये वी है ना वो आपका क्या है सोर्स ऑफ अथॉरिटी सोर्स ऑफ अथॉरिटी ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन में अथॉरिटी क्या है पीपल ठीक है तो पीपल को रिप्रेजेंट कर रहा है सोवर इन सोशलिस्ट सेक्यूलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इज आपका नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ठीक है नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जस्टिस लिबर्टी क्वालिटी फ्रेटर्निटी इज आपका ऑब्जेक्टिव ठीक है ऑब्जेक्टिव और ये जो है वो आपकी डेट डेट बहुत इंपॉर्टेंट है ये पूछ लेंगे आपसे याद रखना यस yes, तो आ, ये जो मैंने अभी आपको बताया सोर्स नेचर एंड डेट एंड गाइस अब हम देखते हैं ये जो की वर्ड्स है प्रियम्बल में उनको आ, अलग अलग करके समझने की कोशिश करेंगे गाइस बिलीव मी ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपका बेस रेडी करता है ठीक है जब आप आगे पढ़ेंगे तो ये वर्ड्स ऐसे के ऐसे आ जाएंगे इनके मीन जो है उनके मीनिंग जो है वो आपको अभी देखने पड़ेंगे क्योंकि मैंने ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स को देखा है जो प्रीलिम्स के पहले भी कॉल करते हैं और कहते हैं कि प्लीज़ मुझे इन वर्ड्स का मतलब बता दो तो आप सोच सकते हो कितनी बड़ी मुसीबत में वो लोग लेकिन बिल्कुल मैं आपको पढ़ाऊँगा और आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी इस बात की मेरी गारंटी एक बार इसको देख लो अच्छे से यस yes, तो पहला वर्ड आता है आपका सॉवरिन तो द वर्ड सॉवरिन इसका मतलब ही होता है ना तो हम किसी के ऊपर डिपेंड है ना किसी के अंदर डोमिनियन है कोई भी नेशन हो ना तो उसके ऊपर डिपेंड है हम क्या है एक इंडिपेंडेंट स्टेट है इंडिपेंडेंट स्टेट है इंडिया अब यहाँ यहाँ ध्यान दीजिएगा इस ये वाला जो एक पॉइंट ये वाला और एक पॉइंट ये वाला यहाँ से क्वेश्चन आए ठीक है तो यस yes, क्वेश्चन आए प्रीलिम्स में भी तो देर इज़ नो अथॉरिटी अव हमारे नेशन के ऊपर किसी की भी अथॉरिटी नहीं है और हम फ्री हैं हमारे अफेयर्स को कंडक्ट करने के लिए इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों लेवल्स पर ठीक है तो कॉमनवेल्थ को 1949 में इंडिया ने वैसे की मेम्बरशिप ली थी है ना कंटिन्यू किया था तो ताकि ब्रिटिश क्राउन जो है वो कॉमनवेल्थ का हेड है ना कि इंडिया का हेड है ठीक है इससे हमारी सॉवरनिटी पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता सेम है यू से भी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन से कहीं भी हमारी सॉवरनिटी को आ, लिमिट नहीं करते हैं ठीक है नेक्स्ट है आपका कि इंडिया जो है वो किसी भी फॉरेन टेरिटरी को अक्वायर भी कर सकती है और अपनी टेरीटरी को सीड भी कर सकती है ठीक है दे सकती है तो उसके लिए आपको अमेंडमेंट करना पड़ेगा नेक्स्ट टर्म जो है वो है आपके सोशलिस्ट ठीक है सोशलिस्ट को हमको देखना है यहाँ पर तो यस yes. अब एक बात आप यहाँ पर ध्यान से सुनना कि फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट के थ्रू इसको हम लेकर के आए थे इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा जो सोशलिस्ट कंटेंट है आप सबको पता है जैसे कि आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं है, है ना तो उसके अंदर हमारा सोशलिस्ट कॉन्टेंट दिखता है हमको हाँ ये बात ज़रूर है कि कॉन्स्टिट्यूशन में अभी तक जो है इम्प्लिसिटली हम कह सकते हैं कि सोशलिस्ट था हमारा क्योंकि जब डिबेट्स हो रही थी तब तो ये बात उठाई थी कि बहुत से ऐसे हमारे स्कॉलर्स थे उस टाइम पे भी कि इंडिया में जो है सोशलिस्ट वर्ड हमको प्रियांबल में लाना चाहिए लेकिन उस टाइम पे अंबेडकर जी ने ही खुद ने मना कर दिया था और उन्होंने कहा था कि इंडिया को सोशलिस्ट एक्चुअली बोलने की लिखने की जरूरत नहीं है इनहेरेंटली क्या है सोशलिस्ट है लेकिन उस टाइम पे के टी शाह शाह प्रोफेसर के टी वन ऑफ माय फेवरेट कॉन्स्टिट्यूशनल मेंबर आपको इनकी बातें बहुत सुनने को मिलेगी मेरे थ्रू इन्होंने कहा था कि इंडिया कुछ भी हो सकता है लेकिन इंडिया कुछ भी हो सकता है लेकिन सोशलिस्ट कभी नहीं हो सकता उन्होंने ये एक बात कही थी ठीक है तो आज हम देख रहे हैं इंडिया का जो एक पॉलिसी मेकिंग वे है या फिर हम कह सकते हैं कि जो ट्रांजिशन हो रहा है ठीक है सोशलिज्म से कैपिटलिज्म की तरफ हमको वर्ल्ड के साथ कदम से कदम मिला चलना है लेकिन बेसिक इंडियरली तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सोशलिस्ट है और वर्ल्ड को इम्प्लीसिट करने वर्ड को इंट्रोड्यूस uh, uh, करने के बाद कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये एक्सप्लीसिटली पता चल गया है। इंडिया इज़ ए सोशलिस्ट नेशन ठीक है nation, uh, क्योंकि अवधि सेशन में भी जो 1955 में हुआ है कि सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी पे जो रेजोल्यूशन था वो पास हुआ था है ना और इंडिया का जो ब्रांड ऑफ सोशलिज्म है हम उसको डेमोक्रेटिक सोशलिज्म बोलते हैं ना कि कम्युनिस्टिक जो कि अदर स्टेट में जैसे कि यूएसएस uh, आर में दर्स्ट वाइल यूएसएस आर में ठीक है अब इसमें आता है जैसे कि नेशनलाइजेशन कर दो ऑल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन को प्राइवेट प्रॉपर्टी को ऑपोलेशन कर दो ठीक है तो ऐसा नहीं है है ना तो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म बल्कि मिक्सड इकोनॉमी है जहाँ पर पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों ही को एग्जिस्ट करेंगे एक साथ इस मैटर पे सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का एम होता है पॉवर्टी को एंड करना है ना इग्नोरेंस को एंड करना अपॉर्चुनिटी को ब्लेंड ऑफ मार्क्सिज्म एंड द गांधीज्म सोशलिज्म का कहना है अब आती है बात द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की हाँ जो हमारे एल रिफॉर्म्स हुए थे उससे हमको ये पता चलता है कि इंडिया का जो सोशलिस्ट क्रेडेंशियल्स हैं वो एक्चुअली डाइल्यूट हो चुके हैं ठीक है ठीके? क्योंकि इट्स कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी पे बेस्ड है, है ना? इसलिए. नेक्स्ट uh, टर्म जो है वो है आपका सेक्युलर ठीक है सेक्युलर वो भी हमने फोर्टी सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू एड किया कॉन्स्टिट्यूशन में सुप्रीम कोर्ट के का सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि सेक्युलर स्टेट जो है वो एक्सप्रेसली तो नहीं लिखा हुआ था ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में लेकिन इसमें कोई डाउट भी नहीं है कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूंट कॉन्स्टिट्यूशन मेकरस हैं वो एक जो हमारा उसको स्टेट को बेसिकली सेक्युलर ही मानते थे और बनाना चाहते थे तो इसका प्रूफ उन्होंने देता हुआ कहा कि आर्टिकल ट्वेंटी फाइव से ट्वेंटी एट तक देखो जो फंडामेंटल राइट्स दे रखे हैं फ्रीडम ऑफ रिलीजन का ठीक है अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे ये आज का सेकंड क्वेश्चन है कि ट्वेंटी फाइव और ट्वेंटी एट ठीक है इनमें बेसिकली लिखा क्या है ठीक है तो मुझे बताना जब फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे डिटेल में डिस्कस करेंगे है ना तो अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में का जो हमारा सेक्युलरिज्म है वो है पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है ठीक है वेस्टर्न कॉन्सेप्ट की तरह नहीं है वेस्टर्न कॉन्सेप्ट इज़ अ नेगेटिव कॉन्सेप्ट जिसमें स्टेट और रिलीजन सेपरेट एंड होते हैं ठीक है यहाँ पर वहाँ पे स्टेट का रिलीजन से कोई मतलब नहीं होता ठीक है लेकिन हमारी कंट्री में ऐसा नहीं है हमारी कंट्री में ऑल रिलीजन जो हैं उनको इक्वल स्टेटस प्राप्त है और स्टेट इक्वली सपोर्ट करता है सबको ठीक है इर रिस्पेक्टिव ऑफ देयर स्ट्रेंथ की इतनी पॉपुलेशन है नेक्स्ट वर्ड आता है आपका डेमोक्रे डेमोक्रेटिक ठीक है डेमोक्रेटिक आपको पता है कि डेमोस प्लस क्रिटास ये आपका बेसिकली क्या है ग्रीक वर्ड्स है इनका मतलब होता है कि रूल ऑफ द पीपल ठीक है तो जो पावर जो है अथॉरिटी कहाँ से आती है पीपल्स से डेमोक्रेसी का बहुत बेसिक मीनिंग है अब इसके अंदर वही कॉन्सेप्चल कॉन्सेप्चअल टर्म्स यूज़ किए हैं और बताया गया इसके अंदर कि दो तरह की डेमोक्रेसी होती है डायरेक्ट इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी अब डायरेक्ट जैसे कि स्विट्जरलैंड में जहाँ पर रिफरेंडम इनिशिएटिव्स रिकॉल प्ले डायरेक्ट पब्लिक एट डायरेक्ट पार्टिसिपेट करती है बट इनडायरेक्ट में ऐसा नहीं होता इनडायरेक्ट में रिप्रेजेंटेटिव होते हैं पीपल उनको चूज़ करते हैं वो गवर्नमेंट बनाते हैं फिर वो लॉज बनाते हैं है ना तो और इसको हम क्या बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी अब इंडिया में क्या है इंडिया इज ए रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है ना जहाँ पर एग्जीक्यूटिव होता है रिस्पॉन्सिबल होता है लेजिस्लेचर के ठीक है ताकि उसके एक्शंस और जो पॉलिसी उन्होंने बनाई है ये इंपॉर्टेंट है कि इंडियन डेमोक्रेसी के मेन फीचर्स क्या हैं जैसे कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज पीरियडिक इलेक्शंस रूल ऑफ लॉन्ड जुडिशियरी का इंडिपेंडेंस और डिस्क्रिमिनेशन नहीं करोगे कोई भी ग्राउंड्स पे इसका एब्सेंस है ना तो अब हमारे कंट्री में जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो डेमोक्रेटिक वर्ड इस्तेमाल हुआ है पर्याम्बल में वो एक ब्रोडर सेंस में है, है ना जैसे कि जैसे कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी जो है वो ही ओनली नहीं है इंडिया में बल्कि सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी भी है अब ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने उनकी स्पीच में भी कहा था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में कि इंडिया में जो है वो इसका एसेंस बता देता हूँ मैं बस आपको अगर आपको पढ़नी तो प्लीज़ पढ़ें ठीक है तो अब पॉलिटिकल डेमोक्रेसी जो है सर्वाइव कर ही नहीं सकती अगर उसका बेस सोशल डेमोक्रेसी नहीं होगा तो तो उन्होंने कहा था इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि लिबर्टी इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी जो है वो एक ट्रिनिटी के अंदर काम करना चाहिए एक कंट्री के अंदर ठीक है ये तीनों ही ना लिबर्टी से डाइवोर्स हो सकता है ना इक्वालिटी का फ्रेटर्निटी से ना फ्रेटर्निटी का लिबर्टी से ये अपना मीनिंग और अपना एसेंस और अपना जो इनका एक्चुअल वर्क है वो लूज कर जाएंगे अगर ये एक दूसरे से अलग होते हैं तो ये जो तीनों वर्ड्स हैं ठीक है टेके? सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑब्जर्व किया ही है कि 1997 में कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक इस चाहता है कि गैलीटेरियन सोशल ऑर्डर बने ताकि हमारे एवरी सिटीज़न को सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस मिल सके इन अ सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी ऑफ भारत रिपब्लिक नेक्स्ट टर्म जो है वो है आपके रिपब्लिक ठीक है इंडिया इज़ द रिपब्लिक यस तो डेमोक्रेटिक पॉलिटी जो थी दो कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया गया एक मोनार और एक रिपब्लिक अब मोनार्की जैसे कि हेड ऑफ़ द स्टेट कौन होगा आपका या तो किंग होगी या क्वीन होगी ठीक है हैरिडेटरी पोजिशन होता है यानी कि सक्सेशन के थ्रू आपको यहाँ पर किंग और हेड ऑफ द स्टेट बनाया जाएगा अब जैसे कि ब्रिटेन है ठीक है अब ये रिपब्लिक है लेकिन यहाँ पे हेड ऑफ द स्टेट कौन है आपके किंग और क्वीन अब इन इन रिपब्लिक अगर हम देखें ऑन द अदर एंड हेड ऑफ द स्टेट जो होता है ऑलवेज डायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है और इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है फिक्स पीरियड के लिए जैसे कि इंडिया में देख लो प्रेजिडेंट जो है वो गणतंत्र बेसिकली गणतंत्र ही हम उसको बोलते हैं जब प्रेजिडेंट चुना गया हमारे ठीक है तो यस yes. ना तो फिक्स पीरियड के लिए चुना गया इंडिया में और डायरेक्टली बाय द पीपल और इनडायरेक्टली भी कह सकते हैं बिकॉज अब इसमें पीपल्स वर्ड जुड़ा है ताकि बिकॉज इलेक्शन के थ्रू तो हम इसको लेके आ रहे हैं ना कोई सक्सेशन या कोई मोनार तो नहीं है ना यहाँ पे जी बिल्कुल इसलिए तो दो मीनिंग हो रहे हैं इसके किसके रिपब्लिक के पहला तो यह है कि पोलिटिकल uh, सोरेटी जो है वो पीपल में है ना कि कोई एक सिंगल इंडिविजुअल और किंग में नेक्स्ट मीनिंग है इसका कि जो प्रिविलेज क्लास है उसका एबसेंस होगा और कोई भी पब्लिक ऑफिस जो है वो सबके लिए ओपन है ठीक है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन तो ये गणतंत्र का दूसरा मीनिंग अब नेक्स्ट टर्म आता है आपका जस्टिस अब जस्टिस टर्म जो है वो में बेसिकली तीन डिस्टिंग तरह के हमारे फॉर्म्स हैं सोशल और पॉलिटिकल और इकोनॉमिक ठीक है और ये हमारे फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्ट प्रिंसिपल्स के थ्रू सिक्योर करते हैं हम तो सोशल जस्टिस अगर हम कहें तो इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए सबका कोई डिस्टिंक्शन नहीं होना चाहिए कोई भी बेसिस पे है ना कलर कास्ट रेस रिलीजन सेक्स ऑन और इट मीनस एबसेंस ऑफ एनी प्रिविलेज ठीक है किसी भी क्लास को या सेक्शन को जो है प्रिविलेज नहीं दिया जाएगा एंड इम्प्रूवमेंट इन द कंडीशन ऑफ द बैकवर्ड एस सी एस टी ओ बी सी के और वुमेन के क्या करेंगे इनकी कंडीशन में सुधार करेंगे नेक्स्ट है आपका इकोनॉमिक जस्टिस ये होगा कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा इकोनॉमिक फैक्टर्स पे ठीक है और इट इन्वॉल्व एलिमिनेशन ऑफ द जो इक्वालिटी हो रही है वेल्थ के नाम पर इनकम और प्रॉपर्टी में तो इट इज़ ए अ कॉम्बिनेशन ऑफ सोशल जस्टिस और इकोनॉमिक जस्टिस ही डिनोट करता है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस ठीक है मुझे बताऊंगा आपको ये सब क्या है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस पी एस आई आर में बहुत जल्दी है ना यस पॉलिटिकल जस्टिस क्या करते हैं कि इम्प्लाइज दट ऑल दिटीजन जो हैं शुड हैव इक्वल पोलिटिकल राइट होगा है न पोलिटिकल ऑफिस में जाओ आप और इक्वल वॉइस उठाओ गवर्नमेंट में है ना तो ये जो आइडियल है ना जस्टिस का तीनों तरीके का वो हमने रशियन रेवोल्यूशन से लिया है नाइनटीन सेवनटीन में नेक्स्ट आपका लिबर्टी लिबर्टी इज़ वन ऑफ द फेवरेट किसका आप भीमरा आम्बेडकर सर का अब ये कहते हैं कि बेसिकली एबसेंस ऑफ रेस्टोरेंट ऑन द एक्टिविटीज़ इसका मतलब ये होता है कि रेस्टोरेंस एबसेंस ऑफ रेस्टोरेंस ऑन द एक्टिविटीज़ ऑफ द इंडिविजअल ठीक है रेस्टोरेंट नहीं लगा सकते आप इंडिविजुअल के एक्शंस पर नेक्स्ट है उसी टाइम पर कि जो अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करानी पड़ेगी आपको इंडिविजुअल पर्सनलिटी के डेवलपमेंट में सिंपल अब प्रीएम्बल जो है सिक्योर करता है पूरी कंट्री में जितने भी लोग हैं उनकी लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन बिलीव फेथ एंड वर्शिप ये भी हमने पढ़ा था प्रीएम्बल में तो हमने वहीं से उठाया इसको अब फंडामेंटल राइट दे रखें जो कि हम कोर्ट से जाकर के इन्फोर्स करा सकते हैं अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स लिबर्टी जो है वो वायलेट करता कोई यस तो अब लिबर्टी जो है बहुत इसेंशियल कॉन्स बहुत इसेंशियल पार्ट है आपका प्रीएम्बल का और ये बताता है कि इंडिया की जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसका सक्सेस कितना होगा ठीक है हाँ इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास लाइसेंस है कि आप कुछ भी करें ऐसा नहीं हो सकता ऐसा थोड़ा तो ना कि आप हर कुछ कर सकते हैं तो पुलिस और प्रशासन ही नहीं, नहीं होता फिर तो अब बात यह है कि कुछ लिमिटेशन्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे कि फंडामेंटल जैसे कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो आपके एप्सल्यूट नहीं है ना है ना बट क्वालिफाइड है ठीक है आपको मिलेंगे लेकिन आपको जो है कुछ नियम भी जो है फॉलो करने पड़ेंगे आपके मन की नहीं चला सकते ना और ये जो आपका चली बट ये वो आइडिया हमने कहाँ से लिया था फ्रेंच से सेवनटीन एटी नाइन सेवनटी हम इससे एक बात मुझे बताओ कि वर्ल्ड हिस्ट्री किस किसने पढ़ी है बहुत अच्छी तरीके से ठीक है अपने स्कूल टाइम कॉलेज टाइम पे और यस yes, यूपीएससी के लिए भी हालांकि इतना वेटेज नहीं है एक क्वेश्चन आता है मीनस में प्रिलिम्स में नहीं आता ठीक है तो आप मुझे बताना वर्ल्ड हिस्ट्री किस किस को पढ़नी है मुझसे ठीक है तो मैं आपको जो है लेक्चर्स बनाऊँगा जितने भी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं यू के लिए ठीक है स्टार्ट करेंगे फ्रेंच अमेरिकन रेवोल्यूशन और अमेरिकन सिविल वॉर रशियन रेवोल्यूशन इतने सारे वर्ल्ड हिस्ट्री सबसे इंटरेस्टिंग हिस्ट्री होती है तो आप मुझे बताना अगर आप सबको पढ़ना है तो यस मैं जरूर बनाऊंगा उसके अंदर एक सीरीज ठीक है नेक्स्ट वर्ड आता है आपका इक्वालिटी अब इक्वालिटी का मतलब क्या होता है कि स्पेशल uh, प्रिविलेजेस नहीं दोगे कोई भी सेक्शन को और एडिकेट अपॉर्चुनिटी दोगे ताकि मतलब बिना कोई डिस्क्रिमिनेशन करें ठीक है लिबर्टी क्या होती है लिबर्टी इक्वालिटी को डिराइव करने का पावर होता है और इक्वालिटी क्या है वो सोर्स ऑफ सोर्स है जिसके थ्रू आप अपनी लिबर्टी को पा, पार कर सकोगे ठीक है पा सकोगे तो आ, प्रियांबल जो है वो सिक्योर करता है हमारी कंट्री में इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी ठीक है तीन डायमेंशनस हैं इसके सिविक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक तो यहाँ पर सिविक इक्वालिटी जैसे कि फंडामेंटल उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं कि हमारी सिविक इक्वालिटी को इंश्योर करा सकते हैं जैसे कि इक्वालिटी बिफोर द लॉ आर्टिकल फोर्टीन कोई भी ग्राउंड पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता फिफ्टीन और अपॉर्चुनिटी है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट का आर्टिकल सिक्सटीन उसके साथ आर्टिकल सेवनटीन और आर्टिकल एटीन यानी कि अबोलिशन ऑफ़ अनटचेबिलिटी और टाइटल्स ये सब तो अब देयर आर द टू प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन जो कि आपकी पॉलिटिकल इक्वालिटी को अचीव करता है जैसे कि पहला क्या है पहला आपका कोई भी पर्सन जो है वो इन एलिजिबल नहीं डिक्लेयर किया जा सकता इलेक्टोरल रोल्स पे ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन रेस कास्ट सेक्स जो आपके आर्टिकल थ्री ट्वेंटी फाइव वाइस ऐसे कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं या फिर बेसिक राइट्स हैं जो आप मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं जो कि फंडामेंटल राइट्स के अदर भी हमको कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलते हैं और ये वाला राइट्स इसमें से ही एक है ठीक है थ्री ट्वेंटी फाइव अगला जो राइट है आपके वो है जो लोकसभा में इलेक्शंस होते हैं ना और स्टेट असेंबली में ठीक है वो एडल्ट सफरेज पे बेसिस पे होंगे ये आर्टिकल थ्री ट्वेंटी सिक्स है आर्टिकल थर्टी नाइन भी है वैसे के ये डीपीएसपी में आते हैं आपके कि मैन और मैन और वुमेन को इक्वल राइट्स होंगे ताकि मीन्स ऑफ लाइवलीहुड और इक्वल पे दिया जाए उनका वर्क और इक्वल वर्क बराबर काम के लिए बराबर पे किया जाए ठीक है तो ये राइट्स हैं ये मतलब है आपका जो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया क्या इक्वालिटी नेक्स्ट वर्ड है आपका फ्रेटर्निटी फ्रेटर्निटी का मतलब होता है अ सेंस ऑफ ब्रदरहुड ठीक है जो भाईचारा होता है अब कॉन्स्टिट्यूशन ये प्रमोट करता है इस बारी फीलिंग को uh, एक एक बाय द सिस्टम ऑफ सिंगल सिटीजनशिप है ना और फंडामेंटल ड्यूटीज के थ्रू भी करता है फंडामेंटल ड्यूटीज आर्टिकल फिफ्टी वन ए ठीक है तो यस yes. अब ये कहते हैं कि हर हर सिटीजन का ड्यूटी है कि हारमोनी प्रमोट करें कॉमन ब्रदरहुड की भावना और स्पिरिट को प्रमोट करें ठीक है प्रियांबल के अंदर तो हमने इसको पढ़ा था कि इट्स फ्रटर्निटी द डिग्निटी ऑफ़ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन इनको प्रोटेक्ट करना है ठीक है ये मतलब ये अशोर करेगी आपकी फ्रेटर्निटी तो अब वर्ड जो है इंटीग्रिटी वो फोर्टी सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू आया नाइनटीन सेवनटी सिक्स में अब इसके अंदर के एम मुंशी सर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है बहुत मज़ा आएगा पढ़ने के बाद देखना ड्राफ्टिंग कमेटी के आ, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मतलब मेंबर थे ये कहते हैं कि जो डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल है ना ये सिर्फ ये इंश्योर नहीं करता कि आपको जो मटेरियल बेनिफिट्स है वो दे दिए जाएंगे या फिर डेमोक्रेटिक सेटअप के अंदर आपको एक बहुत अच्छा उदा दिया जाएगा ऐसा नहीं ये जो है वो आपका बेसिकली रिकोगनाइज़ करेगा पर्सनैलिटी क्या है इंडिविजुअल की वो भी एक सेक्रेट पर्सनैलिटी है हर इंडिविजअल की तो ये डिग्निटी बताता है उसका इज्जत है लोगों की अब ये फंडामेंटल राइट्स के थ्रू भी हम इसको देख सकते हैं डीपीएसपीस के थ्रू भी देख सकते हैं और फंडामेंटल ड्यूटीज़ के थ्रू भी देख सकते हैं ठीक है ये कहते हैं कि जैसे कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ में क्या है कि प्रोटेक्ट द डिग्निटी ऑफ द वुमेन जिसके अंदर ये लिखा है बेसिकली द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन टू रिनाउंस प्रैक्टिस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ ऐसी कोई भी प्रैक्टिस नहीं करनी है जो वुमेन की डिग्निटी को हर्ट करे या डेरोगेटरी हो उसके ठीक है तो ये हर सिटीज़न का ड्यूटी है कि इंडिया के सॉवरिटी यूनिटी और इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करें अभी जो फ्रेज है ना यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन ये दोनों साइकोलॉजिकल और टेरिटोरियल डायमेंशन है जैसे कि आर्टिकल वन में क्या लिखा है कि इंडिया इज़ ए यूनियन ऑफ स्टेट ऐसा तो नहीं है कि इंडिया फेडरेशन वगैरह हो तो यूनियन ऑफ स्टेट का मतलब ही यही है कि स्टेट को कोई राइट right नहीं है स्टेट्स को कोई राइट right नहीं है ससीड करें यूनियन से क्योंकि हमारा जो नेशन है वो इनडिस्ट्रक्टिबल नेचर है इंडियन यूनियन तो हम कहते हैं ना डिस्ट्रक् डिस्ट्रक्टिबल स्टेट है हमारे लेकिन इनडिट्रक्टिबल यूनियन है ठीक है ये मैं आपको आगे बताऊँगा अब इट एम्स एट ओवरकमिंग द देंट्रेंसिस ऑफ द नेशनल इंटीग्रेशन लाइक जैसे कि कम्युनलिज्म रीजनलिज्म कास्टिज्म लिंगिज्म ये सब बातें जो हैं ये सब जो सोशल इश्यूज हैं और हम कह सकते हैं कि इंटरनल सिक्योरिटी का भी थ्रेट हो सकता है मोस्ट इंपॉर्टेंटली यूनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन को खतरा है ये सब ठीक है तो हमने फ्रेटर्निटी को देखा अभी अब अगले लेसन में हम देखेंगे कि सिग्निफिकेंस क्या है इसका उसके बाद हम देखेंगे कि इसको अमेंड किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता और ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है कि नहीं है तो ये तीन चीज अगले लेसन में देखेंगे तो यस uh, गाइस yes, जब तक स्टे टून एंड हैव अ नाइस डे थैंक यू प्लीज कीप सपोर्टिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग आई एस मेरथन शेयर करो उसको जितना हो सके फैलाओ बहुत सारी चीज़ें आने वाली है बहुत सी इनिशिएटिव्स रेडी हैं आपके लिए ठीक है तो बस सपोर्ट चाहिए आपका अच्छा खासा तो आपका जो रिस्पॉन्स रेट होगा हम उसी को मैच करने की पूरी कोशिश करेंगे ठीक है सो यस मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में जो कि हम लेकर के आएंगे प्रम्बल का सेकेंड पार्ट जो कि लास्ट पार्ट होगा